वाहिनी सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट आई न्यूज़। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत की। जिस तरीके से पूरा घमासान मचा हुआ है, छठे चरण का मतदान आज है और 1 जून को आखिरी मतदान हो जाएगा और 4 जून को सबके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि इस बार किस पार्टी का दबदबा रहा। लेकिन अगर पूरा समीकरण देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला है वो इंडिया गठबंधन के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका देता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, छोटे छोटे दल इन सब चीजों में कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बड़ी बड़ी पार्टियों के ये लोग वोट काटते हुए नजर आएंगे, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन इससे पहले अगर बात कर लिया जाए कन्नौज सीट और आजमगढ़ सीट पर मतदान होने वाले हैं या हो रहे हैं, तो वहां पर किस तरीके से पूरा समीकरण देखने को मिल रहा है। क्या इस बार धर्मेंद्र यादव अपना परचम लहरा पाएंगे या फिर वहां पर अगर देख लिया जाए तो इस बार जिस तरीके से अपर्णा यादव धर्मेंद्र यादव के अगेंस्ट में चुनाव प्रचार करते हुए नजर आई या निरहुआ लाल दिनेश लाल यादव को सपोर्ट करते हुए नजर आई, क्या ये मान लिया जाए कि इस बार धर्मेंद्र यादव को बड़ा झटका लग सकता है या फिर दिनेश लाल निरहुआ को बड़ा झटका मिलता हुआ नजर आएगा। आज इन्हीं सभी समीकरणों पर जिक्र करेंगे, जानेंगे कि वाकई में यूपी की सियासत में अखिलेश यादव का क्या एक अहम भूमिका निकल कर सामने आ रही है, कितनी सीटों पर जीत दर्ज कर पाएंगे या फिर अगर देखा जाए तो क्या इस बार अखिलेश यादव 2019 से बेहतर करते हुए नजर आएंगे या फिर अपर्णा यादव की वजह से उनको आजमगढ़ सीट पर कितना नुकसान होने वाला है। आपको बता दें, दरअसल आजमगढ़ सीट कहीं ना कहीं अखिलेश यादव के लिए अहम सीट मानी जाती रही है। वो पहले चुनावी मैदान में थे आजमगढ़ से, फिर उन्होंने राज्यसभा से जब इस्तीफा दिया था तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ सीट पर जब उपचुनाव हुए तो दिनेश लाल निरहुआ वहां से चुनाव जीत जाते हैं। उसके पहले अखिलेश यादव ने वहां पर चुनाव जीता था। ऐसे में माना यही जाता है कि अखिलेश यादव अगर इस बार चुनाव में उतरते तो कहीं ना कहीं आजमगढ़ सीट पर एक कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने छोटे भाई धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया। ऐसे में अपर्णा यादव भी वहां चुनाव प्रचार करने पहुंची। अब ये देखा जाए कि क्या इस बार आजमगढ़ सीट पर अपर्णा यादव के जाने से कितना प्रभाव पड़ता है या फिर दिनेश लाल निरहुआ को जो बड़े बड़े एक्टर सेलिब्रिटी और नेता सपोर्ट करते हुए नजर आए, क्या उनके जाने से उन पर कुछ सीटों पर असर पड़ सकता है, ये देखा जाएगा। लेकिन अगर हमारी जब टीम गई वहां पर देखा गया तो जो जनता का है कहीं ना कहीं वह अखिलेश यादव के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस बार इंडिया गठबंधन के जो समीकरण है काफी अच्छे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन पूरी बात यही निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार के नारे पर है और पीएम मोदी के चुनाव पर इस बार उनके फेस पर कहीं ना कहीं चुनाव लड़ा जाता है, तो ऐसे में किस सीट का समीकरण कब बदल जाए ये कुछ कह नहीं सकते हैं। तो इस बार आजमगढ़ सीट पर भी कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर से इतर बात कर लिया जाए कन्नौज सीट की, फूलपुर, मिर्जापुर, तमाम जहां पर सपा के प्रत्याशी उतरे हैं कहीं ना कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं और वाकई में देखना होगा कि ये जो पूरा सियासी समीकरण बन रहा है कहीं ना कहीं वो इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में भी जाता हुआ दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी के भी। लेकिन अगर इसी बीच देख लिया जाए यूपी की सियासत में मायावती एक अहम रोल निभाती हुई नजर आती है। मायावती जिस तरीके से इस बार उन्होंने प्रत्याशियों को उतारा है तो वो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव को खासा नुकसान पहुँचाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि मायावती लगातार अपने वोट बैंक में इजाफा करने के साथ साथ वो लगातार रैलियां कर रही हैं नवा शहर में, मछली शहर में, जौनपुर में, मिर्जापुर में, लगातार ऐसी सीटों पर जा रही हैं। मायावती जो इतने दिन से राजनीति में एक्टिव नहीं थी लेकिन अचानक से उनके एक्टिवनेस से कहीं ना कहीं अब वोट बैंक पर वो सेधमारी करने का पूरा प्रयास कर रही हैं और वो हो भी रहा है। मायावती जहाँ पर जा रही है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कहीं ना कहीं वो तमाम तरीके की योजनाएँ और अपना मैनोफेस्टो बताते हुए नजर आ रही हैं। कि बहुजन समाज पार्टी कभी अपना मैनोफेस्टो लॉन्च नहीं करती है, उनका मानना है कि हम काम करने में भरोसा करते हैं, मैनोफेस्टो में नहीं। तो इस तरीके की ये जो पूरी बात निकल कर सामने आ रही है, माना यही जा रहा है कि आने वाले दिनों में मायावती की वजह से खासा नुकसान देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर वाकई में ऐसा कुछ हुआ, मायावती अगर अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आई तो जाहिर तौर पर इसका जो फायदा मिलेगा वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अखिलेश यादव
का कहीं ना कहीं समीकरण बिगड़ सकता है। लेकिन अगर यहीं पर अखिलेश यादव कहीं ना कहीं मायावती का साथ लेते हुए नजर आते तो इस बार का जो चुनावी माहौल है वो 2019 के लोकसभा चुनाव से बेहतर हो सकता था, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है और उनके साथ में उन्होंने गठबंधन किया है। मायावती भी अगर उस गठबंधन में शामिल हो जाती तो कहीं ना कहीं उनको एक मजबूती मिलती और भारतीय जनता पार्टी को जाहिर तौर पर बड़ा झटका लग सकता था। लेकिन अगर पूरे समीकरण की बात कर लिया जाए तो इस बार मायावती को भी कहीं ना कहीं सीटों में हो सकता है कि पिछली बार के चुनाव में वो एक भी सीटों पर अपनी जीत नहीं दर्ज कर पाई थी, लेकिन इस बार वो मायावती 3 से 4 सीटों पर यूपी में अपनी पकड़ बना सकती हैं। लेकिन अगर देखा जाए अखिलेश यादव तो वो बहुत ज़्यादा 2019 से बेहतर करते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि इंडिया गठबंधन के साथ हैं वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से 400 पार का नारा लगा रही है, उनके आंकड़े और उनके उसमें बातों में कहीं ना कहीं बहुत फर्क दिखाई दे रहा है। लेकिन देखना यही होगा 4 जून को परिणाम आ जाएंगे, किसके पक्ष में परिणाम आते हैं, भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती है फिर से या फिर इंडिया गठबंधन इस बार उनको टक्कर देते हुए नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया बनेगी कि इस बार पूरा सियासी माहौल किसके पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।